देख सकते हैं एक महिला इसको मार रही है, गरीब फरीदाबाद के दो नंबर से लाइव हूँ, ये मार रही है, मीडिया वालों का फोन छीन रही है, पता नहीं कहाँ से आई है, क्यों मार रही है, कौन मार रहा है आपको जो अच्छा अच्छा मीडिया वालों का भी मोबाइल छीनने का प्रयास कर रही है, अभी लाइव था, उसके बाद इस महिला ने मीडिया का भी मोबाइल छीना। खैर कोई बात नहीं, इसको पुलिस कार्रवाई करेगी, अब इनसे बात। आपका तलाक हो चुका है? हाँ सर जी, मैंने दुखी होकर डिवोर्स दे दिया इनको। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा रेनू है, मेरा बच्चा भी था, मैंने उस दो तीन दिन पहले भी डाला था, उसके बाद मैंने इनको जैसे रिश्ता हर कोई बनाना चाहता है तो ये आती जाती थी, बीच में इनके भाई से मेरा कोई रिलेशन नहीं था 3 साल से, तो इनको मैंने कहा ये जो मोबाइल छीन रही है महिला, क्या नाम? ये देखें, ये महिला है, भाग रही है, मोबाइल छीन रही थी, ये जो है, ये देखें, ये देखें, बुला लो पुलिस को, बुला लो जो है, आपको मार रही है, पीट रही थी, बुला लो पुलिस को जो है। इनका नाम राधा है, इनको मैंने फोन दिया था ठीक है राखी पे, तो 15 दिन में ये वैसे नंद लगती है, तो इन्होंने मेरे साथ बहुत अत्याचार कर रखा है इन लोगों ने, जहाँ जाती हूँ वहाँ खड़े होने लायक नहीं रखते मेरे को, यही कहते हैं ये धंधा करती फलाना करती ठिकाना करती। सर जी मैं इनकी बहुत इज्जत कर रही हूँ, मैंने इतने दिन से सोचा ना इनकी इज्जत मिट्टी में हो ना हो, मैंने कुछ नहीं कहा इनको, मैंने इसको राखी पे फोन दिया 14,000 का, उसके बाद 31 तारीख को मेरा डिवोर्स हुआ है, तो मैंने इनको कहा दीदी मैं किस्त नहीं भर सकती, तुम्हारे भाई से डिवोर्स हो गया, हमारा कोई रिश्ता तो नहीं रहा, अब मुझे फोन वापस दे दो, इतनी सी बात पे ये सारे दबाव बना रहे हैं मारने के लिए मुझे यहाँ। अच्छा अभी आपका डिवोर्स कब हुआ? ये 31 तारीख है, तो सर जी मैंने फोन मांग के कोई गलत नहीं किया। आपका डिवोर्स हो गया आपके पति? हाँ जी। एक मिनट, मैंने अपनी खुशी से दे दिया। रुक जाइए, आपका नाम है रेनू, आपके पति का नाम था राम नरेश, और आपका डिवोर्स हो गया 31/8/2022 को, यानी कि अभी 31 अगस्त जो आया था इनका डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स हो गया तो आपका उनसे मतलब नहीं बनता? नहीं। अभी जो महिला तो मारती है, फोन छीन रही थी, बस यही ऐसे, मैं इसलिए क्यों आई थी यहाँ पर? मारने के लिए आया, स्पेशल कंपनी से मेरे को फोन करके बुलाया है। आप क्यों आए फिर जब आपको पता है मार देंगे आपको? सर जी मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी जगह से गलत नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं कंपनी में भी कह आई, मैं घर जा रही हूँ। अब देखो आपके सामने सब भाग के गए हैं, चाहो तो आप मोबाइल की दुकान पे भी चल सकते हैं, ये धमकी दे के गए हैं, मोबाइल दुकान पे देंगे आपको। मोबाइल छीन लिया आपका? नहीं, इनको मैंने राखी पे नया फोन दिया था 14,000 का, दुकान पे मैंने वो बता देंगे, मैंने 10,000 का फोन पसंद किया था, तो इसने हाथ रखा कि नहीं मुझे ये 14,000 का चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है तो आज 14,000 का ले लो, मैंने सिर्फ इस कारण दिया कि मेरा बच्चा 10 साल का, तो उससे थोड़ा आना जाना रहेगा, तो इन लोगों ने तो ऐसा किया मेरे साथ, बिल्कुल रिश्ता ही खत्म करवा दिया। अच्छा मैं यही चाहती हूँ, रोकेंगे आपको, हमारे जो दर्शक हैं वो फिर से पूरा मामला जानेंगे कि आपको परेशानी क्या है, डिवोर्स क्यों हो गया, ये थोड़ा सा बताइए शादी कब हुई, डिवोर्स क्यों हो गए? सर जी मेरी शादी हुई 2011 में, मेरे साथ शुरू से यही मारपीट, दुनिया भर की हर काम यही होते थे, तो मैं गांव में भी रहती थी, फिर मैं अपने भाई को लेके अपने पति के साथ यहाँ भी आई, इसका भाई अपने इसके छोटे वाले भाई के कहने पे चलता जो अभी भाग के गए हैं यहाँ पे, तो इनके कहने पे चलते हैं, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, गांव में भी रही हूँ तो गांव में भी काम किया मैंने, बीमार हुआ तो गांव में भी, लॉकडाउन में कौन सी औरत होगी बता दो कि आदमी को पैसे दे, मैंने गांव में भी काम करके इसको 10,000 रुपए दिए, फिर भी ये कहता मुझे कुछ नहीं किया, यहाँ भी मैं जितना मेहनत करती थी बच्चे की पढ़ाई का हर काम का खर्चा इसको देती थी, जब से मैंने 1 साल से खर्चा देना बंद किया तो इसने मेरा बच्चा भी घर बिठा रखा है, और क्या नाम यही आता है गंदी गंदे इल्जाम लगाने, दुनिया भर की बातें करता मेरे साथ। अच्छा, तो उस दिन भी यही दबाव बना रहे थे मारने के लिए, तो मैंने कहा तुम डिवोर्स ले लो मेरे से, एक महिला दुखी होके क्या करेगी जब खुद दुखी रहती है, बीमार रहती है 24 घंटे, मैंने इनको डिवोर्स भी दे दिया, अभी भी इसकी छोटी जो भाई की घर वाली है वो मेरे कह रही है कल गाली देके, एक सोनी नाम की लेडीज है जो सामने, उसने अपने घर में भी ऐसे तांडव किया होता, सारे छोटे बच्चों तक को पुलिस चौकी में बिठाया हुआ था, चाहो तो मैं उनको बुला देती हूँ, तो उनको मैं उस दिन रात को 10 बजे छुड़ा के लाई थी, अब वो भी यहाँ बैठी हुई थी रात को 10:30-10:30 बजे आती, सर जी मैं इस कमरे में अकेली सोती हूँ, बीमार रहती हूँ, बाई चांस ये मेरे पे हमला बोल दे तो मैं कहाँ जाऊंगी बताओ, तो आपकी जान को खतरा है, पुलिस में हाँ, मेरी जान पुलिस के पास गए आप? पुलिस के पास गए? पुलिस के पास गई हो तो पुलिस साहब ये कहा तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा हुआ जो हम तुम्हारी कंप्लेंट लिखे, तुम्हारे साथ आपको किससे जान की खतरा है ये बताओ, अभी जो दो लोग आए थे मेरे को इनसे सबसे जान का खतरा। क्या क्या नाम है उनका? राधा, प्रदीप और
इसके दो नाम है अंकित प्रदीप और इसकी घरवाली का नाम है रजनी। और अभी जो मेरा मोबाइल छीन रही थी उसका क्या नाम? राधा। राधा, देखिए दोस्तों जब मीडिया, अगर मैं गलत हूँ तो आपने खुद आके देख ली लोगों की, जब मीडिया का मोबाइल ये लोग छीन सकते हैं लाइव होते हुए, तो इस महिला के साथ क्या कर सकते हैं? आप लोग समझ सकते हैं वो लोग कितने बदतमीज हैं, कितने खतरनाक हैं कि मीडिया की भी परवाह नहीं करते। वो मोबाइल छीन रहे थे, मेरा भी छीन रहे थे, मतलब मोबाइल छीनना भी एक अपराध है। स्नैचिंग 379B का केस होता है, 10 साल से ज्यादा की सजा है, फिर भी ये इतने दुस्साहस कर रहे हैं कि मेरा भी मोबाइल छीन रहे हैं, तो इनके साथ क्या करते होंगे आप लोग समझ सकते हैं। ये एक महिला है, आप किराए पर रहते हो यहाँ? सर जी मैं किराए पर रहती हूँ, मैं यहाँ से खाली नहीं करना चाह रही, क्योंकि यहाँ मेरी जानकारी, मैं 9-10 साल से यहाँ रही हूँ, अकेली महिला, कोई रूम भी नहीं देता जल्दी। अच्छा, इसलिए तो फरीदाबाद 2 की पुलिस थोड़ा सतर्क रहे, अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो ये राधा वादा जो कहाँ से आते हैं, ये दिल्ली से बुलाई है, दिल्ली से आते हैं, बताओ, मारपीट करने, मोबाइल छीनने के लिए दिल्ली से आते हैं। अब पुलिस को देखना चाहिए कौन से लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अब मेरे को डराने धमकाने के लिए मीडिया से अलग बुलाया जा रहा है कि आपको बुला रहे हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप कहीं मत जाओ, पुलिस को फोन करो 112 पे, आपकी सुरक्षा पुलिस करेगी। अब सर जी ये लोग मोबाइल की दुकान पे जा रहे हैं, मेरी निवेदन यही है कि आप लोग दुकान पे जाके भी पता कर सकते हो, अगर मैं गलत हूँ जा रहे हैं, इनको जो मैंने मोबाइल दिया था सर जी उस जगह पे, मैं चाहे गलत हूँ चाहे कुछ भी हूँ, मैंने इनको दिया था राखी पे, इसीलिए दिया था कि चलो हो सकता मेरा रास्ता बना रहे, मेरे बच्चे की ना जिंदगी खराब हो। मोबाइल वापस ले रहे हैं क्या? मैंने इनको बोला मोबाइल वापस दे दो, मैं किस्त नहीं भर सकती, जब मेरा बच्चे की जिंदगी खराब हो चुकी, मैंने डिवोर्स दे दिया, तो मैं तुमसे क्या रिश्ता चलाऊंगी। तो मैंने इनको बोला मैं किस्त नहीं भर सकती, मुझे फोन वापस दे दो, इस बात पे तांडव कर रहे हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, इसी बात पे ये सब मोबाइल आप वापस मांग रहे, तुमको बुरा लग रहा है? हाँ, तो सर जी इसमें बता दो मैं गलत हूँ या ये गलत है। चलो कोई बात नहीं, रिश्ता टूट गया तो मोबाइल रहने दो, उनके पास क्या दिक्कत है? कितने का है मोबाइल? 14,000 का सर जी, मैं किस्त अभी भर रहे हो, किस पे लियो? मेरे अकाउंट से कटती है। तो देने को तैयार हो कि नहीं? कभी कह रहे यहाँ दूंगा, कभी कह रहा पुलिस चौकी दूंगा, कभी कह रहे मोबाइल की दुकान पे दूंगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पुलिस पास जाओ, पुलिस मोबाइल दिलवा देगी आपकी, ठीक है? मोबाइल की दुकान यही एक दो चौक से पीछे ही है। आप 112 पे फोन कीजिए, यही पुलिस आएगी, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है उन लोगों का दुस्साहस, तो मैं भी उनको बता सकूंगा कितने बदतमीज हैं वो लोग और किस तरह से वो टूट पड़ते हैं, मतलब मोबाइल ऐसे ही मैं अकेले रह। 2 का मामला है, 2B48 देख सकते हैं, मदद करेगा तो गुंडागर्दी करेंगे, हरियाणा सबसे कुछ करना, कोई भी मदद करता तो कहती है तू उसके साथ रहती है, तेरी ये है वो है, ऐसे कहते हैं, उल्टा सीधा शब्द बोलते हैं ये लोग मेरे साथ। तो रेनू है बहुत परेशान है, 2B48